कांकेर जिले के भानु प्रतापपुर में भाजयुमो के एक युवक को लाखों रुपए के नोटों के साथ रील बनाना महंगा पड़ता दिख रहा है। हुआ यूं कि युवक आकाश सोलंकी की कार में लाखों रुपए के साथ रील पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। फिर क्या, छत्तीसगढ़ में राजनीति गरमानी ही थी। इसके बाद प्रदेश में मामले पर राजनीतिक बयानबाजी के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को इस पर प्रतिक्रिया देनी पड़ गई। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं, मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, मैं हूँ दिल का अमीर भाई करीब नहीं। हमने भी रील बनाने वाले आकाश सोलंकी से बात की। ये आकाश सोलंकी जी, सोलंकी जी, ये पैसा आपके पास कहाँ से आया था, आप क्या बताना चाह रहे थे पैसा को वीडियो में वायरल करके? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि वो जो वीडियो वायरल हुआ वो मेरे द्वारा बनाया गया था। सोशल मीडिया में जिस प्रकार से रील्स का जमाना है और नादान वर्ड भूल वर्ड बोल सकते हैं, वो वैसा मैंने स्टोरी बना, रील्स बनाया और पोस्ट कर दिया जो वायरल हो गया। अब रही बात वो पैसे की, तो वो मेरे पारिवारिक पैसे हैं, मेरे जीजा जी का बिजनेस है, उसका पैसा था, वहाँ से मैंने एक जगह से पेमेंट उठाया और दूसरे जगह पे छोड़ दिया। वही है उस बात को माननीय भूपेश बघेल जी ने जो इतना मुद्दा बना दिया, एक छोटे से युवा जो उनके नाती की उम्र का, उनके साथ ऐसी राजनीति करना उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता। देखिए, आपने इतनी सारी धनराशि के साथ एक वीडियो बना दिया, सोशल मीडिया में आपने पोस्ट भी कर दिया, इसको आप सामाजिक रूप से अच्छा मानते हैं कि गलत मानते हैं? मैं गलत मानता हूं, क्योंकि पहले तो मैं इतना सोचा नहीं था कि इतना बवंडर हो जाएगा, तो इसलिए मैं, लेकिन सब होने के बाद मुझे लगा कि गलत किया मैंने और वो गलत था, तो आगे भी अपने युवा पीढ़ियों से मैं यही कहूँगा कि ऐसी गलती कभी ना करें। ये थे आकाश सोलंकी जी, अब इनको अपने किए पर पछताव हो रहा है। इस संबंध में हमें अभी तक कोई ऑफिशियल शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और ना ही कोई जांच के निर्देश आए हैं। अगर इस तरह का कुछ निर्देश या शिकायत प्राप्त होती है तो उसके ऊपर पहला कार्रवाई की जाएगी, जांच की जाएगी। अभी तक लेकिन हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। सोशल मीडिया के माध्यम से हमको भी ज्ञात हुआ और उस मंडल अध्यक्ष से पूछने के बाद पता चला वो पारिवारिक पैसे को लेन देन को लेकर किसी स्थान पर छोड़ने जा रहा, परंतु माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का उसमें ट्वीट करना और अपने सोशल मीडिया पर डालकर सरकार को घेरने का प्रयास करना उनकी ओछी मानसिकता और राजनीति के प्रति जो उनकी गंभीरता है उसको निश्चित तौर पर दर्शाता है। चूंकि एक बच्चा यदि अपने पारिवारिक पैसे को लेकर कहीं जा रहा है, उससे गलती हुई है, उसने सोशल मीडिया में डाला है, लेकिन इसका आशय ये नहीं होता है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर किसी प्रकार का एलिगेशन लगाएं। उनके बच्चे की उम्र का, उनके पोते की उम्र का वो लड़का है, यदि कोई एरोप्लेन के साथ फोटो डाल देता है तो वो एरोप्लेन उसका नहीं हो जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की मानसिकता ऐसी है, उनके बेटे के ऊपर एलिगेशन लगता है। पीएससी घोटाले में जब वो जांच के घेरे में आते हैं, कोल घोटाले के मामले में जब वो तिवारी जी से मिलने जेल जाते हैं, ये सब चीजों का खुलासा करे। पीएससी में जो युवाओं के भविष्य के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया है उस पर वो खुलासा करे, और गौठान घोटाला उन्होंने किया है उस पर वो चर्चा करने सामने आए। जो विषय उनके 5 साल के कार्यकाल में रहे हैं उन विषयों पर वो तर्क संगत हमारे सामने बैठे, तो हम युवा उनका जवाब देंगे, परंतु इस प्रकार के बच्चे के साथ छोटी राजनीति करना ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है और निंदनीय। मैं आज इस माध्यम से फिर जो युवा पीढ़ी है उनको सचेत करना चाहता हूँ कि आप नादानी में कोई कदम उठा लेते हैं जिसके परिणाम गंभीर होते हैं। आज इनकी छोटी सी गलती ने प्रदेश सरकार को एक कटघरे में खड़ा कर दिया, प्रदेश सरकार की नीतियों पर पूर्व मुख्यमंत्री ने सवाल खड़े कर दिए हैं जिसका जवाब देना आने वाले समय में देना पड़ेगा, आकाश सोलंकी को भी, प्रदेश की सरकार को भी। इसलिए कभी भी इस तरह के कोई भी काम करने के पहले कई बार सोचें, क्योंकि जो चीजें कभी छोटी दिखती हैं वो छोटी होती नहीं है। चार बार बोले हैं, पढ़ने लिखने वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। और नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं, मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, मैं हूँ दिल का अमीर भाई गरीब नहीं। कोई भी लकीर नहीं ऐसी जो कह दे तुझे तेरी तकदीर नहीं।